अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं एक और नई रेसिपी जिसका नाम है ग्रीन चिकन पुलाव। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ग्रीन पुलाव या सब्जा पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। ये मैंने एक छोटा सा पोटैटो लिया है, ऑप्शनल है, 200 ग्राम का होगा तकरीबन, या उससे भी कम होगा, सॉरी ये 50 ग्राम या 100 ग्राम का होगा। ये जो है मैंने पीसेस में इसे काटना है, और साथ में मैं लूँगी 1/2 kg चिकन। ये एक्चुअली 1/4 kg था लेकिन क्लीन करने के बाद ये 1/2 kg रह गया है। और 3 ये साइज़ के मतलब बड़े बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं जिसे इस तरह से बड़ा काट लिया है, ये मैं पीसने के लिए यूज़ करूँगी। और ये जो है इसे बारीक कट कर लेंगे। और बाकी बारीक मसालों में मुझे लगेगा ये सौंफ का पाउडर है तकरीबन 1.5 चम्मच है, भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा पाउडर है और ये तकरीबन 1 चम्मच लगेगा, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक तकरीबन 3 चम्मच। आप लोग नमक और मिर्ची हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा करिएगा। और हल्दी पाउडर मुझे लगेगा तकरीबन 1/4 चम्मच। और साथ में मुझे लगेगा दही, दही मैं सिर्फ 2 चम्मच यूज़ करूँगी ताकि चावल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बस इसलिए। साथ में मुझे कुछ हरे मसाले लगेंगे जिसमें 1 बंच जितना जो है मैंने लिया है कोथमीर, और उतना ही मैंने पुदीना लिया है। साथ में 3 स्मॉल साइज़ के 3 से 4 लहसुन, और 1 टमाटर, और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। 1.5 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जो है मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में अदरक नहीं आ रहा है इसलिए। और अगेन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और हरी मिर्चें हैं मैं 10 से 12 ले रही हूँ। कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ते और जायफल, जावित्री और जीरा और सौंफ है, ये मैं भगाने के लिए यूज़ करूँगी। और साथ में मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी भगाने के लिए यूज़ करूँगी। और इन सब के अलावा हम लोगों को लगेगा ये कड़ी पत्ता, ये भी मैंने तकरीबन 1/2 कप जितना तोड़ के ले लिया है, ये भी मुझे लगेगा। और यही हम लोग तड़काने के लिए अगेन यूज़ करेंगे। साथ में मुझे लगेगा घी और तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा चिकन है ये मैं हल्का सा बॉईल कर लूँगी ताकि मैं चिकन स्टॉक निकाल लूँ। आप लोग चाहें तो इसे गोश्त के साथ फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई किया वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो है इसे निकाल लूँगी ताकि इसका जो स्टॉक है वो मैं अलग कर सकूँ। और इन सब चीज़ों के बाद भी अगर प्रॉपर कलर नहीं आया तो हम लोग ऑप्शनल में थोड़ा चुटकी भर फूड कलर जो आता है वो यूज़ कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि ना करें, अगर प्रॉपर कलर नहीं आया तो ही यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैं जो है चिकन बॉईल करने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने इस वजह तकरीबन 2 ग्लास जितना पानी डाल लिया है, और थोड़ा सा प्याज जो है वो मैंने कट करके डाल लिया क्योंकि बॉईल किया हुआ प्याज जो होता है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, बस इतना कि नमक जो है उसके अंदर से थोड़ा सा घुल जाए। और जो हमारे खड़े मसाले हैं उसमें से मैं कुछ मसाले जो हैं इसमें डाल दूँगी, बस अच्छा फ्लेवर आने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो चलिए इसे मैं बॉईल कर लेती हूँ। बाकी जो मसाले हैं हमारे वो मैं पीस लेती हूँ, और बारीक प्याज जो है उसे भी बारीक काट लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक तरफ जो है मैंने पानी जो है तकरीबन 6 ग्लास लेके, मेरा चावल जो है 3 ग्लास है, तो मैं पानी जो है 6 ग्लास लेके उसे बॉईल करने रख दी हूँ। और एक तरफ जो है मैंने चिकन को हल्का सा जो है स्टीम करने रख दिया है ताकि यकीन मिल जाए, और मैंने पैन जो है गर्म कर लिया है, बाकी चीज़ें जो मैंने काट ली हैं और मसाले पीस लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए तेल कर दिया मैंने गर्म, मैंने 3 चम्मच जितने जो है तेल ले लिया है, और इसमें जो है मैं मसाले डाल दूँगी, खड़े मसाले जो है वो, और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के टाइम पे आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हरी मिर्ची जो है वो ज़्यादा चटकती है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लीजिएगा। बस इसे 1 से 2 सेकेंड 2 मिनट के लिए जो है हम लोग भून लेंगे। जैसे ही इसका जो फ्लेवर है, खुशबू जो है वो आने लग जाएगी, जैसे ही हम लोग जो है इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे जो है हल्का गुलाबी होने तक जो है हम लोग भून लेंगे। चलिए मैं इसे गल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा प्याज जो है ये हल्का गलना शुरू हो गया है। अब इस टेबल पे जो है मैं इसमें जो बारीक कटे हुए पोटैटोज हैं, आलू, वो डाल दूँगी ताकि साथ साथ में आलू जो है वो भी फ्राई हो जाए अनियन के साथ में। तो चलिए इसे भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए प्याज जो है वो हमारा अच्छा भुन गया है, और पोटैटो जो है वो भी भुन गई है। अब इसमें जो है मैं फ्राई किया हुआ जो हमारा स्टीम किया हुआ जो चिकन है वो डालूंगी, और उसे तेज़ आंच पे जो है साथ साथ में फ्राई करते चलूंगी। देखिए उसकी यखनी जो है वो मैंने अलग निकाली हुई है, इसलिए 1 मिनट के लिए हम जो है भून लेंगे। चलिए हमारा चिकन जो है वो भून गया है। अब इसमें जो है मैं पाउडर मसाले जितने थे हमारे वो डालकर एक बार इसे भी भून लूँगी 1 मिनट के लिए। इस तरह से, और
और अब इसी में जो है मैं डाल दूंगी हमारे जो हरे मसाले थे वो। इसमें मैंने दही भी ऐड किया हुआ है, ये देख लीजिए मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने जो है तमाम मसालों को एक साथ नहीं पीसा है, बारी बारी पीसा है, इसलिए इसका जो अलग अलग कलर जो आया है, मतलब मैंने कोथमीर पुदीना और फिर बाद में हरे वाइट जितने थे वो तमाम चीज़ों को अलग अलग पीसा हुआ है। मैं इसको एक बार चला लूँगी और इसे जो है भून लेती हूँ तेज़ आँच पर ताकि तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो जाए। आप लोग भी यही करिएगा। ये देखिए मसाला जो है हमारा काफ़ी अच्छा जो है भुना गया है और तेल भी देखिए काफ़ी अच्छा जो है ऊपर आ गया है। अब इस लेवल पे जो है मैं इसमें अपना जो सोप राइस है वो डाल दूँगी। साथ में मैं डाल दूँगी अपनी और मैंने अलग से उबला हुआ पानी डाला था वो भी डाल दूँगी। इससे जो है चीज़ों को पकने को ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा जो है इसका कलर आ चुका है अभी। चलिए इसे जो है अब हम लोग पकने देंगे। हम लोग इसे जो है 10 से 15 मिनट जो है तेज़ आँच पे रखेंगे और पानी जो है उबला हुआ ही है इसलिए बहुत ज़्यादा इसे टाइम लगेगा भी नहीं। और उसके बाद जो है हम लोग इसे धीमी आँच पर दम करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। तो चलिए पूरा डन हो जाता है, उसके बाद मैं आपको उसको धनिया की पत्ती है ऊपर से डाल के और नींबू का रस हल्का सा डालकर और फिर आपको दिखाती हूँ गार्निशिंग करने के बाद। ऐसा काफ़ी अच्छा जो है कलर आ गया है, चावल भी जो है आधे पक गए हैं। अब इसे जो है मैं अब धीमी आँच पर रखूँगी ताकि ये जो है दम पर होकर और अच्छी तरह से पक जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलिए इसको दम पर कर लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा जो है ये हो गया है। अब मैं इसका गैस कर लेती हूँ बंद और उसके बाद आपको जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी ग्रीन चिकन पुलाव। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।